हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको पनीर बनाना सिखा रही हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही है इसकी। मैं क्या करती हूँ, आई टेक 2 kgs ऑफ मिल्क एवरी डे। जो लोकल दूध वाला आता है उससे भैंस का दूध हम लेते हैं। 2 किलो में से थोड़ा सा बच जाता है, वो मैं एक बर्तन में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। ओवर 2-3 डेज काफ़ी दूध जम हो जाता है मेरे पास एक्स्ट्रा पुराना। व्हाट आई डू, मैं उसे फाड़ के पनीर बना लेती हूँ। तो फॉर अ वीडियो मैं जितना भी दूध है उससे बना रही हूँ। यूजली मैं इससे ज़्यादा दूध लेती हूँ। दिस मस्ट बी अराउंड 1 लीटर टू गेट अ थिक लेयर ऑफ पनीर। कम से कम इतनी थिक लेयर यू नीड लॉट ऑफ मिल्क। 1.5 से 2 लीटर, 2 लीटर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एनी वेज, हम इससे बना के देखते हैं कितना बनता है। ये है वो बर्तन जिसमें मैं पनीर बनाती हूँ। दिस इज द कम्प्लीट सेट। ये ऊपर का ढक्कन, ये नीचे का। पहले हम ये बर्तन लेंगे, इसमें ये लगाएंगे और मैं एक बड़े भगोने में ऐसे ये बर्तन रख दूंगी। अब मैं ये दूध जब तक पूरा उबाल नहीं आता है पूरा उबालूंगी। लेट्स वेट एंड सी कि ये गर्म हो जाए फिर कैसे करते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा पूरा उबल चुका है दूध, ऊपर आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें दूध अच्छे से पूरा उबालना है। और अब मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग नॉर्मल सिंथेटिक विनेगर। प्लीज़ डोंट यूज़ एप्पल साइडर विनेगर और ब्राउन विनेगर। उससे पनीर ना बहुत जल्दी लाल पीले हो जाते हैं। इससे सही बनता है, टेस्ट इज ऑल्सो गुड। ये मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून उतना डाल रही हूँ, क्योंकि अब हल्की गर्मी शुरू हो गई है तो पनीर ईजिली फट जाता है। और अब हम इसे हिला देंगे। देखिए, इफ यू कैन सी, ये पनीर बनने लगा है। तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। और कब तक इसे पकाना है, जब तक नीचे की लिक्विड, यस, ये देखिए, कैन यू सी येलो होती हुई लिक्विड। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर आप इसे बहुत देर तक कुक करते रहेंगे तो पनीर विल बिकम हार्ड। सी द लिक्विड हैज़ टर्न इमीडिएटली येलो। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ऑलमोस्ट, तो बहुत इजीली और जल्दी ये फट रहा है। आप इसे नींबू से भी फाड़ सकते हैं। व्हाट यू डू इज, नींबू को एक छन्नी से छान के नींबू का रस निकाल के फिर फाड़िएगा, नहीं तो वो ना रेशे नींबू के सारे पनीर में आ जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसे डाल रही हूँ। ये रहा मेरा पूरा पनीर। आई होप यू कैन सी, मैंने इसमें डाल दिया। आई एम स्क्रेपिंग द साइड्स। मैंने साइड्स अच्छे से स्क्रेप कर ली। मैंने इसको उठा के, बी केयरफुल वेन यू डू दिस, क्योंकि ये वेव वाटर जो है बहुत गर्म है। माइट इवन यू नो, अगर गिर जाएगा तो बहुत गर्म है, बी केयरफुल। अब मैं दोबारा इसको अच्छे किनारे सारे ऐसे करते हुए, ताकि जितना भी पनीर है सारा उतर जाए। ये मैंने पूरा डाल दिया। मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, अच्छे से इसे दबा रही हूँ। एक्सेस पनीर में निकाल, पानी निकालते जा रही हूँ, क्योंकि ये आज दूध थोड़ा सा था मेरे पास रेसिड्यू, और मेरे को ये वीडियो बनानी थी तो पनीर कम बनेगा। बहुत इतनी सी मामूली सी लेयर बनेगा। और अगर आपको इतना बड़ा चंक पनीर का बनाना है तो कम से कम 2.5 से 3 किलो दूध आप ज़रूर फाड़िएगा। ये देखिए, इट्स बिकम लाइक दिस। ये ठीक है, एंड द कंसिस्टेंसी इज ओके फॉर मी। व्हाट आई विल डू इज, अब मैं ये जो अपना है एक प्लेट में रख के 2 घंटे के लिए बाहर रख दूंगी एट रूम टेम्परेचर ऐसे ही, ताकि जितना भी पनीर के अंदर पानी बचा है वो पूरा निकल जाए। उसके बाद मैं इसे ओवरनाइट इस प्लेट को ऐसे ही फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। नेक्स्ट डे आई विल रिमूव दिस लिड, टेक आउट दी पनीर, स्टील के डब्बे में रख के मैं उसे फिर से फ्रिज में रख दूंगी। तो जब चाहिए आप यूज़ करें।
मैक्सिमम 3 से 4 दिन, क्योंकि विंटर्स है तो 5 दिन भी पनीर अच्छा रुक जाता है, वरना 2-3 दिन तक पनीर अच्छे से रहता है, वो ख़राब नहीं होता है. तो दिस इज वे वाटर, ये बहुत ही हेल्दी होता है. व्हाट डू यू डू विद दिस? ठंडा कीजिए, कांच की बॉटल में भरिए और फ्रिज में रख दीजिए. ये ख़राब नहीं होता है. आई हैव केप्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 डेज. सो व्हाट आई डू इज, जब भी आटा लगाती हूँ, तो जब भी मैं आटा लगाती हूँ, मैं इसे यूज़ करके आटा लगाती हूँ, आपकी रोटियाँ काफ़ी नरम बनेगी. एंड दाल बनाइए, आपने दाल तड़का बनाइए, पानी की जगह, दाल उबालने के बाद जब हम दाल में पानी मिला के उसे घोटते हैं, पानी की जगह आप ये मिलाएंगे तो आपकी दाल काफ़ी गाढ़ी बनेगी. व्हेन यू मेकिंग केक्स, यस, व्हेन यू मेकिंग केक्स, यूज दिस वे वाटर, योर केक्स विल बी रियली सॉफ्ट. आटे की हो, मैदे की हो, सूजी की हो, जो भी केक बनाएंगे आप, अगर दूध या फिर दही की जगह ये पानी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी केक्स बनती है. यू कैन यूज़ दिस इन योर ग्रेवीज, पनीर की ग्रेवी बना रहे हो उसमें भी ये हल्का डाल देंगे, काफ़ी अच्छी गाढ़ी और नाइस क्रीमी टेक्स्चर बन जाएगा. सो लॉट ऑफ यूजेस फॉर दिस वाटर एंड दिस इज़ वेरी हेल्दी. इफ़ यू थिंक यू कैन, हल्का सा नमक और नींबू नीचो के पी जाओ, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है. So I hope I was very clear and you understood how I make the paneer at home. Regarding this, ये छन्नी वाला जो बर्तन है, I got this from Tilak Nagar from a steel की दुकान से. I think approximately 200 or 250. There are two sizes available in this, one small and big. I prefer the big one because मैं ज़्यादा पनीर कई बार बनाती हूँ, और छोटा भी ला सकते हो आप. And any doubts, please ping me. Thanks for watching. If you liked my video, it was helpful to you, please do comment to motivate me. Thank you.